नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं जी सुधीर ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब आपके मन में ख्याल आता है कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुककीपिंग क्या होता है, देखते हैं बुककीपिंग क्या, हम देखेंगे क्या होता है बुककीपिंग, अकाउंटेंसी क्या होता है। ये हमारे तो डिफरेंट टर्म्स है बट एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम नीचे देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। हमको यहाँ पे हमारे कंटेंट दिए हुए हैं। हमको पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, ये क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कैसे डिफरेंट पॉइंट्स है, अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ना है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ने हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वर्सन्स एंड प्रिंसिपल हमको पढ़ने हैं, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये हमको पढ़ने हैं। ओके जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें दिया हुआ है बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज अकाउंटिंग, हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। हमें वो क्या दिया गया है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किस कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन जस्ट हम क्या करने हैं इसको रिकॉर्डिंग, रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस इंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, इसके लिए मनी के लिए हो सकता है और दूसरी चीज़ के लिए भी हो सकता है। ऑल दिस एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ द टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या करता है हमको डिसीजन लेने में मदद हेल्प करता है, टू एज टू वेदर द एक्टिविटीज आर फेसिएबल, फेसिएबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, हमको उससे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, एंड द टू बी कंटिन्यूड और नॉट, और हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाई द प्रोप्राइटर्स मैनेजर्स एंड द बिजनेस मैन, मतलब हमको ये केवल प्रोप्राइटर्स के लिए नहीं है, मैनेजर्स के लिए नहीं है, इन अदर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू द वेरियस अदर स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स के लिए भी है, सच एज गवर्नमेंट, जैसे हमारा कि गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो उसके बारे में पता करना, एम्प्लॉय एंड रिसर्चर्स, ये हमारे क्या है वेरियस जिनको हमें बुक कीपिंग हेल्प करता है। आगे देखते हैं इवोल्यूशन क्या है अब अकाउंटिंग का। इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में इनका देखा है चंद्रगुप्त मौर्य का, किनके बुक में, एडम स्मिथ के बुक, किनके बुक में हमने देखा है, कौटिल्य, कौटिल्य के बुक में हमने इनका नाम देखा था मौर्य। रिजाइन मिनिस्टर कौटिल्य रोट द बुक नेम्ड एज अर्थशास्त्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसने लिखा है, कौटिल्य इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी कौटिल्य इज द राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने, जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बताया। Where is some references can be tested regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards, it is called as Deshinama. इसके बाद इसको क्या कहा जाने लगा, Deshinama. हमारा क्या हो गया, Deshinama हो गया। आगे देखते हैं इन अर्लियर टाइम सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाई एजेंट्स, किसके द्वारा डन किया लगा, एजेंट्स के द्वारा, हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल, इन लोगों के वेल्दी पीपल मतलब जिसके पास वेल्थ है वो क्या है उसका अकाउंट मैनेज लोग करते थे, दे प्रिपेयर अकाउंट्स पीरियोडिकली, कैसा, पीरियोडिकली समय टाइमली करते थे, फॉर द ऑनर
अ प्रॉपर्टी। द रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट वर फाउंड इन 12th सेंचुरी का भी खोजा गया, डेबिट और क्रेडिट को 12th सेंचुरी में। इन द ईयर 1494 लुका डे बार्गो पोक्योली, लुका डे बार्गो पोक्योली कभी 1494 इन इटालियन मर्चेंट इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है हु इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो आपको क्या बोलना होगा, लुका डे बार्गो पोक्योली। ओके, इन्होंने क्या किया था, हमारे डबल एंट्री बुक सिस्टम को खोजा था। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th and 19th century, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए थे 18th and 19th century में, लार्ज स्केल ऑपरेशंस वर कैरियड आउट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इमर्ज्ड एंड एज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मतलब क्या हो गए, इमर्ज हो गए, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए। Involved separation of the ownership from management, hence it safeguard the interest of owners and investor. The business establishment required detailed information about business, which favored the pre-approved development comprehensive financial accounting information system. उनको इसकी जानकारी चाहिए थी, financial information चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, double entry system ये सब खोजा था। In 20th century, the record of the need of for analysis of financial information of managerial decision making caused emergence of management accounting. क्या हुआ, emergence पर गया, लोग काम पर गए as a separate branch of accounting. So accounting was individual characteristic in the initial stage of the evolution of accounting. क्या हुआ, initial stage था, it has gradually developed into social responsibility accounting of the in the 21st century. This is due to the vast growth in the business activities as a result of development in various fields. क्या हुआ था, हमारा vast growth हुआ था, बहुत ज़्यादा growth हुआ था। Thus, accounting has become inevitable in the modern world for business. क्या हुआ, modern world for किस, कौन सा बना, accounting बना inevitable in the modern world business. अब हम देखेंगे meaning. अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, तो इन सिंपल वर्ड्स द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या है, इन सिंपल वर्ड्स हमारा बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, सिंपल बुक मतलब सिंपल सा बुक, इन कीपिंग मतलब फॉर्मालिटीज का रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसमें इन अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। अगर हम डेफिनेशन में इतना भी लिखे तो चलेगा, आपको फुल के फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेट वाइज फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट फॉर द सर्च रिकॉर्ड ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड सेकेंड डेफिनेशन आपको दिया, यहाँ पर बताया गया है कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आप डेटा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली वन ईयर। ये आपका परफेक्ट डेफिनेशन हम दे सकते हैं। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, जो कि क्लासीफाई करता है, समराइज करता है एंड ऑफ किसका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, किसके होते हैं, बिजनेस के होते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जनरली कितने साल, कितने दिन का होता है, एक साल का होता है। आपको डेफिनेशन बुक कीपिंग के दिए गए हैं रिचार्ड ई सेरेलसन, सेरेलन क्या बोले, इन्होंने क्या दिया है, रिचार्ड ई क्या दिए है, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, क्या है, एनालाइज करता है एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसके बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू अ पीरियोडिक स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेटिंग सच रिजल्ट फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन, क्योंकि फ्यूचर सत्र में काम आने वाले हैं। जेआर बार्टली हुआ, इनका डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, जैसे कि देखिए बुक कीपिंग इज एन आर्ट, जैसे हमने ऊपर के डेफिनेशन में देखिए क्या है, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स, क्या करते हैं, सेट ऑफ बुक्स में करते हैं।
आता है नोज कॉर्ड। हाँ, तो हमने जैसे देखा अभी कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है, जिसमें कि जे आर बार्टली बॉय का सबसे परफेक्ट डेफिनेशन ये है। जे आर बार्टली बॉय हमारे परफेक्ट डेफिनेशन को दिए है, वो बोलते हैं बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है फॉर द अब किसके लिए रिकॉर्डिंग बिजनेस, किसके लिए बिजनेस रिकॉर्ड करता है, किसका इन किस में करता है, इन सेट ऑफ बुक्स में करता है। सिंपल डेफिनेशन, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं होते, आपको ये मीनिंग बहुत काम आने वाला है। जिसमें बोला गया है बुक कीपिंग इज एन आर्ट और अ साइंस, क्या है, एक साइंस है और आर्ट है। ऑफ सिस्टम किसके लिए है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के लिए है, क्लासीफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए, किसका, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, कितने पर्टिकुलर पीरियड कौन सा है, वन ईयर है, हमारा पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है। सो हमारा ये है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं आर्यन कार्टर क्या बोलते हैं। बुक कीपिंग इज द साइंस और आर्ट करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या करता है, करेक्टली रिकॉर्ड करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मैनेजमेंट, जो कि किससे रिलेटेड है, हमको भाई मनी आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर्स देखते हैं, इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या करता है, ये हमारा डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए आप गए दुकान पर बिस्किट लेने, 10 रुपए का बिस्किट लिए, 10 रुपीज़ का बिस्किट ले रहे हैं, कितने का, 10 रुपीज़ का, तो अपने बुक में एंट्री कर सकते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या करेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। सपोज आपने क्या किया, आप गए, आप जाते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, गुड्स टू गुड्स, देखिए गुड्स के बदले गुड्स, इसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। ये क्या था, हमारा बार्टर सिस्टम था, इसमें हम गुड्स के बदले गुड्स कहते थे। तो इसमें हम वो क्या बोल रहा है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा, हम कैसे रिलेटेड होना चाहिए, पैसे से। एक चीज़ हम दूसरा कोई भी चीज़ लेंगे, हमें पैसे से, हमें फर्नीचर खरीदना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, हमको पैसे से खरीदना है, हम वीट नहीं लेंगे, हम राइस नहीं लेंगे, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। थर्ड बोलता है ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ आर प्रिपेयर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सपोज आपने 1 मई को आपने 1000 का गुड्स परचेस किया है, आप 5 मई को 10,000 का गुड्स परचेस करते हैं, तो आप डेट के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि आपने जो गुड्स परचेस किया है, कभी परचेस किया है। फोर्थ आता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल, जो ये रूल उसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम गोल्डन रूल, जो कि आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली, कौन से वे में करता है, साइंटिफिकली रिकॉर्ड करता है। अब देखते हैं हमको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, बेनिफिट क्या क्या है। तो मेन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में बोलता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू कीप अ कम्प्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। किस मैनर में हमको रिकॉर्ड करना बोला है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में करना है, ऑर्डरली करना है, लॉजिकल, मतलब हम डेबिट की जगह पे क्रेडिट और क्रेडिट की जगह पे डेबिट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बोलता है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज, कैसा हमको रिकॉर्ड करना है भाई, हमको डेट करना है, हमने मई फर्स्ट को खरीदा है कोई प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे शो करेंगे फर्स्ट में कि हमने प्रोडक्ट खरीदा है। सेकेंड अकाउंट वाइज कि हमने जो परचेस किया है तो हम परचेस ही लिखेंगे, हम वहाँ पे सेल्स नहीं लिखेंगे,
हमने फर्नीचर परचेस किया, हम शो कर दिए कि भाई हमने यहाँ पे गुड्स परचेस किया, हम ऐसा हमको शो नहीं करना है, इस सीधा रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एंटरप्राइज बिजनेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस एड एंड एविडेंस। क्या है हमारे लिए, वो एविडेंस का काम करता है। व्हेनेवर, कभी, व्हेनेवर एंड वेयर रिक्वायर्ड, कभी हमको ज़रूरत होगी तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू नो द प्रॉफिट और लॉस, कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल वन ईयर था उसके बीच में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जनरली ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल, कभी से कभी तक होता है हमारा फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है टू नो द प्रॉफिट, हमने देख लिया। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्या बोला है हमारा टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होते हैं, हम आगे देखेंगे। फिलहाल असेट्स मतलब हमारा जो वेल्थ हमारा है वो होता है, लाइबिलिटीज मतलब जो हमको बोरोड मनी जो हमारे पास है वो हमारा क्या है, लाइबिलिटीज है। सिक्स ऑब्जेक्टिव है टू नो द वर्ड द बिजनेस ऑन्स टू अदर्स एंड वर्ड अदर्स ऑन्स टू हिम, दैट मीन्स वही असेट्स और लाइबिलिटीज जो मैंने आपको अभी बताया, किसको हमको कितना देना है और किससे हमको कितना लेना है, हमको कौन बताता है, इसका ऑब्जेक्टिव है। सेवेंथ पॉइंट बोला है बिजनेस मैन कॉम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस, हमारा करंट ईयर का प्रोग्रेस क्या गया है एंड प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का प्रोग्रेस किया गया है एंड कंपेयर्स इट फाइनेंशियल रिजल्ट विद अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस इन द सिमिलर लाइन, मतलब हमको बिजनेस चालू रखना चाहिए या वहीं पे हमको बाइंड अप कर देना चाहिए कंपनी को, तो हमारा ये क्या शो करता है कि हाँ हम बिजनेस आगे इन फ्यूचर चालू कर सकते हैं या नहीं। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जाता है तो हम अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर वही हमारा बिजनेस लॉस में जाता है तो हमको यहाँ पे वाइंड अप करना होगा कंपनी को। फिलहाल दोस्तों इतना ही, आप देख रहे हैं मेरे साथ जी सुधीर ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।